कि जिस तरह से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दो सौ बार जगह दिया था, विधानसभा के अंदर की कृपा आप अपना आशीर्वाद सुनिए सुधार सुधीर जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्रिय जब से थे, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं था। नहीं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया था, इनके पिताजी उस टाइम के ऊपर थोड़े अस्वस्थ थे, चलने फिरने के अंदर थोड़ी सी उनको दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश करने के अंदर हरियाणा के किसी नेता से मैंने आशीर्वाद लिया था, तो इनके बुजुर्ग पिताजी ने। आज उनके साहबजादे पार्टी की तरफ से उतारे गए। तो भाई, आज के दिन हमने जो कैंडिडेट या भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है, हमको जो कैंडिडेट मिला है, उसका इतिहास बहुत बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी। गुड़गांव से हम आज के दिन ये उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि हरियाणा के और अनेक हलकों से फालतू वोट इस बार भी मिलने चाहिए। क्या आप लोग सारे के सारे अपने आप को बीजेपी का बाशिंदा समझते हुए, नरेंद्र भाई मोदी का रिप्रेजेंटेटिव समझते हुए, मनोहर लाल खट्टर का रिप्रेजेंटेटिव समझते हुए, और मेरा भी थोड़ा बहुत अधिकार है तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव समझते हुए कृपा करके सिंगला जी की मदद करें। आज के दिन इलेक्शन कमल का फूल लड़ रहा है, कृपा करके कमल के फूल को अपना वोट।